उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में 72वां गणतंत्र दिवस मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास व सादगी के साथ मनाया गया। 391 सेवापुरी के लोकप्रिय विधायक नील रतन सिंह पटेल ने अपने कार्यालय रखौना पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का झंडारोहण पूरी आन बान शान के साथ किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम अपना दल एस के कार्यालय रखौना में आयोजित हुआ, जिसमें सम्मिलित अपना दल एस व भाजपा के कार्यकर्ता व पत्रकार और असहाय गरीब व बुजुर्गों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। उसके बाद ऐसे 50 सड़कें जिनकी कुल दूरी 65.380 किलोमीटर अधिक है, जिनकी लागत 586 लाख लगी है, जिनका शिलान्यास फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात क्षेत्र में रहने वाले असहाय गरीब पुरुष एवं महिलाओं को कंबल एवं लंच पैकेट देकर विधायक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं क्षेत्र के तमाम पत्रकार बंधुओं को डायरी कलम व कैलेंडर देकर सम्मानित किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा कि पत्रकार के जरिए ही हम अपने घर में बैठे बैठे सारी देश दुनिया की खबरें पढ़वा देख पाते हैं। वहीं सेवापुरी विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता का मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का मित्र हूं। क्षेत्र में मेरे रहते किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मैं उसका निस्तारण करने के लिए सदैव तत्पर हूं। अपने क्षेत्र में हमेशा विकास के कार्य लगातार कराता रहूंगा, जिससे मेरी जनता को तत्काल प्रभाव से लाभ मिल सके। जनता ने मुझे क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर विधायक बनाया है। अखंड भारत न्यूज़ के लिए विनोद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, वाराणसी।